अब हम लास्ट टॉपिक की बात करते हैं सेशन की, जो है हमारा कैमरा लूसीडा। तो इसमें जनरली मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में बात करेंगे। तो कैमरा लूसीडा क्या है? एक तरीके का ऑब्जेक्टिव एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट है हमारा, जिसमें हम क्या है ऑब्जेक्ट को मैग्निफाई करके देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। और ये जनरली हमारा सिंपल ऑप्टिकल प्रिंसिपल पर काम करता है, जो रिफ्लेक्टिंग बीम ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म एंड अ प्लेन मिरर। कोई स्पेसिफिकली जब हम कोई चीज़ को मैग्नीफाई करके स्टडी करना चाहते हैं तो हम कैमरा लूसीडा को यूज़ करते हैं। इसमें जनरली हमारा स्विफ्ट आईवेस मॉडल को हम जनरली यूज़ करते हैं। ये जनरली हमारा ऑप्टिकल प्रिंसिपल पे ही काम करता है, मतलब रिफ्लेक्शन पे ही काम करता है प्रिज्म और प्लेन मिरर के थ्रू। तो माइक्रोस्कोपिक इमेज जो होती है हमारे ऑब्जेक्ट की, वो रिफ्लेक्ट बैक होती है हमारे प्रिज्म से ऑन द प्लेन मिरर, जिसकी वजह से एक रिफ्लेक्टेड इमेज बन जाती है हमारे प्लेन मिरर पेपर के ऊपर, जो कि मैग्नीफाइड होती है, जिससे कि हम स्टडी कर सकते हैं हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में। अब थोड़ा सा मैं आपको प्रिंसिपल के बारे में बताना चाहूँगा कि किस तरीके से कैमरा लुसीडा हमारा किस प्रिंसिपल्स पे काम करता है। तो कैमरा लुसीडा को जनरली हम क्या है अटैच करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साथ, क्योंकि हमें क्या है ऑब्जेक्ट की एक माइक्रोस्कोपिक इमेज लेनी होती है पेपर के ऊपर। इसके लिए हम क्या है उसको एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साथ अटैच करते हैं, जिसके साथ जिसके लिए उसकी क्या है और माइक्रोस्कोपिक इमेज हमारी ड्रॉ कर सकें हम। तो ये जनरली हमारा ऑप्टिकल प्रिंसिपल पे काम करता है ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बीम थ्रू अ प्रिज्म एंड प्लेन मिरर। तो जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया था कि क्या एक प्लेन प्रिज्म प्लेन मिरर के साथ में एक प्रिज्म को भी अटैच किया जाता है जब हम कैमरा लूसीडा की प्रिंसिपल की बात करते हैं तब। तो कैमरा लूसीडा में अब जनरली हमारी क्या है तीन पार्ट्स होते हैं, जैसे कि अटैचमेंट रिंग, प्रिज्म और मिरर। अब कैमरा लूसीडा को अटैच किया जाता है टू द बॉडी ट्यूब ऑफ माइक्रोस्कोप, किसके थ्रू? वी अटैचमेंट रिंग। और जब वो अटैच होता था हमारे माइक्रोस्कोप के साथ, तो प्रिज्म को हमारी आईपीस के ऊपर रख दिया जाता है, जिससे कि क्या है हमें इजीली होल्ड करने में दिक्कत ना हो और इजी जो इमेज हमें चाहिए मैग्निफाइड वो हमें मिल सके। अब जो हमारा ऑब्जर्वर होगा वो ऑब्जेक्ट को अंडर द माइक्रोस्कोप देखेगा थ्रू द प्रिज्म, जो हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट कर रहा होता है उसकी इमेज को ऑन द प्लेन मिरर अटैच एट द टिप ऑफ द आर्म। और मिरर को फिर हम रोटेट करते हैं और सेट कर देते हैं 45 डिग्री एंगल पे, जो कि विद रेफरेंस ऑफ द प्रिज्म एंड प्लेन पेपर होगा, जिससे कि हमें क्या है इजी मैग्निफाइड इमेज मिल सके। वर्किंग की बात करें तो जो प्रिज्म होता है वो रिफ्लेक्ट करता है हमारी ऑब्जेक्ट की माइक्रोस्कोपिक इमेज को ऑन प्लेन मिरर, विच इन टर्न रिफ्लेक्ट द इमेज ऑन प्लेन पेपर। तो व्यूअर जो होगा वो पेंसिल को मूव करेगा ऑन द इमेज लाइंस, और इसकी साथ ही उसे क्या है एक करेक्ट इमेज मिल जाती है पेपर के ऊपर उस पर्टिकुलर फॉर्म की। तो इसी के थ्रू हम क्या है मेजर कर सकते हैं हमारी पर्टिकुलर इमेज को भी ऑन द स्टेज। अगर ऑल्टरनेटिवली बात करें तो इमेज को हम सुपर इम्पोज भी कर सकते हैं ऑन द ट्रेस आउटलाइन ऑफ द स्टेज माइक्रोमीटर, और डायरेक्टली हम क्या है उस पर्टिकुलर इमेज की लेंथ को भी हम क्या है निकाल सकते हैं। तो कैमरा लूसीडा एक तरीके से हमारा बहुत ही अच्छा मेथड है जब हमें क्या है डिटेल्ड या उसकी मैग्निफाइड इमेज चाहिए किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की। और ऑब्जेक्ट इन द सेंस यहाँ पे हम क्रूड ड्रग्स की बात कर रहे हैं, तो क्रूड ड्रग्स की जब डिटेल्ड माइक्रोस्कोपिक इमेजेस हमको चाहिए होती है तो हम कैमरा लूसीडा को इनकॉर्पोरेट करते हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया भी था कि अलग अलग टाइप के कैमरा लूसीडास को भी यूज़ किया जाता है, जैसे बहुत कॉमन में हमारा स्विफ्ट आईवीज मॉडल यूज़ किया जाता है कैमरा लूसीडा में, जो कि आपने देखा भी होगा लैब्स वगैरह में फार्माकोग्नोसी की। और ये कि जनरली इसको हम ड्रॉइंग ऑक्यूलर भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या ऑब्जेक्ट को ट्रेस करता है उसकी मैग्निफाइड इमेज को। तो कैमरा लूसीडा आज के टाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा जब हमें किसी भी पर्टिकुलर प्लांट की सेल के टिश्यू की मैग्निफाइड इमेज चाहिए होती है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या है उस पर्टिकुलर प्लांट के क्रूड ड्रग की क्या है मैग्निफाइड इमेज को ट्रेस कर सकते हैं और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं कि उसके अंदर प्रेजेंट सेल्स टिश्यूज कौन कौन से हैं, किस पर्टिकुलर शेप एंड साइज के हैं, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, क्योंकि मैग्नीफाइड इमेज में बहुत क्लियरली हम ये चीज़ें देख सकते हैं हमारी। अब इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं कि किस तरीके का अरेंजमेंट हमारा कैमरा लूसीडा के अंदर देखने को मिलता है।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कैमरा लुसिडा को अटैच किया जाता है सीधे सीधे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साथ। क्यों? क्योंकि हमें क्या है, ऑब्जेक्ट की एक मैग्नीफाइड इमेज लेनी होती है ऑन द पेपर। जैसे कि आप देख सकते हैं ड्राइंग पेपर दिया हुआ है हमारा। अब यहाँ पे सीधा सीधा क्या है, लाइट को रिफ्लेक्ट किया जाएगा थ्रू लाइट बीम, थ्रू लाइट बीम को रिफ्लेक्ट किया जाएगा थ्रू प्रिज्म एंड प्लेन मिरर। अब कैमरा लुसिडा के, जैसे कि मैंने आपको थ्री इंपॉर्टेंट मेन पार्ट्स बताए थे, जो कि थे अटैचमेंट रिंग, प्रिज्म और मिरर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो तीनों चीज़ें प्रेजेंट हैं। सबसे पहला आपका आ गया अटैचमेंट रिंग, जो आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की। फिर आपका प्रिज्म हो गया, प्रिज्म आपका जस्ट आईपीस के ऊपर वाला पार्ट हो गया। फिर आपका आ गया मिरर, तो मिरर भी आप देख सकते हैं इमेज के इस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। अब कैमरा लुसिडा को हमने अटैच कर दिया बॉडी ट्यूब ऑफ माइक्रोस्कोप के साथ, जिसको हमने अटैचमेंट रिंग के साथ अटैच किया हुआ है। अब जब ये सारा अटैचमेंट हो जाता है, तो प्रिज्म को हम क्या है, आईपीस के ऊपर रेस्ट करने देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मेज के ऊपर। फिर ऑब्जर्वर क्या है, ये हमारा जो होल है फॉर ऑब्जर्विंग द इमेज, ये इसके थ्रू क्या है, वो इमेज को हमारी देखता है। हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट होती है वो इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर अटैच टू द टिप ऑफ द आर्म। फिर हम उसको रोटेट करके, एंगल सेट करके, एक क्लियर कट इमेज ले सकते हैं हमारी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की। और जो उसकी आउटलाइन आएगी, उसको पेंसिल से ड्रॉ करके इजीली उसकी क्या है, मैग्नीफाइड इमेज को हम पेपर के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी और एडजस्टमेंट्स करने होते हैं, तो हम इन सारे पार्ट्स को स्पेसिफिकली करी क्या है, अपने हिसाब से थोड़ा बहुत डिस्टिंग्विश करने के साथ साथ एंगल वगैरह चेंज करके और ज़्यादा मैग्नीफाइड इमेजेस ले सकते हैं। डिटेल से बात करते हैं वर्किंग के बारे में, कि वर्किंग किस तरीके से होती है हमारे कैमरा लुसिडा के अंदर। तो जैसा कि मैंने बताया, प्रिज्म के थ्रू क्या है, हमारी लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ऑब्जेक्ट इमेज हमारी मिलेगी प्लेन मिरर के थ्रू, विच इन टर्न रिफ्लेक्ट द इमेज ऑन द प्लेन मिरर। तो व्यूअर जो है हमारा, वो व्यूअर क्या है, पेंसिल के थ्रू उस इमेज लाइंस को डार्क कर लेता है, तो ऑब्टेनिंग अ करेक्ट इमेज फिगर ऑन द पेपर। अब जो हमारा ड्राइंग बोर्ड रहता है, वो सपोर्ट करता है हमारे ड्राइंग पेपर को, जिसकी वजह जिससे क्या है, कोई भी तरीके का डिस्टॉर्शन ना मिले हमारे बोर्ड के अंदर। और उसको एक स्लांटेड एंगल के साथ अरेंज किया जाता है। फिर इक्वल मैग्निफिकेशन को टेस्ट किया जाता है ऑन ऑल पार्ट्स ऑफ द बोर्ड बाय प्लेसिंग ए स्टेज माइक्रोमीटर ऑन द माइक्रोस्कोप स्टेज। फिर ट्रेस किए जाते हैं उसके डिविजन्स को ऑन द पेपर। अगर दो डिविजन हमारे इक्वली डिस्टेंस नहीं है, तो एंगल को हम ज़रा सा टिल्ट कर देते हैं ऑफ द बोर्ड, एंड उसको फिर क्या है, एक क्लियर कट ऑब्जेक्ट क्वालिटी के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। जिसके बाद क्या है, हमें इमेज की एक स्केल के साथ एक ट्रेस करने में दिक्कत नहीं होती है, और डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन को भी हम मेजर कर सकते हैं। जैसे बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, 0.4 mm स्टेज माइक्रोमीटर इन अराउंड इक्वल टू 13.2 cm ऑफ ड्राइंग बोर्ड। देयरफॉर 1 mm ऑफ स्टेज माइक्रोमीटर स्केल इक्वल्स टू 330 mm ऑफ ऑन द ड्राइंग बोर्ड। तो जब हम मेजर करेंगे एन ऑब्जेक्ट को और स्टेज माइक्रोमीटर को रिप्लेस कर देते हैं विद द अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्टर्बिंग अदर एडजस्टमेंट, तो जो हमारी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन होगी, उसको हम ट्रेस कर सकेंगे, उसके डायमेंशंस को इजीली मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारी लेंथ आएगी इमेज की, वो इस तरीके से होगी 5.1 cm इक्वल्स टू 51 mm। देयरफॉर एक्चुअल लेंथ जो होगी ऑब्जेक्ट की, वो होगी 51/330, जो हमारी अराउंड 154 माइक्रोमीटर निकल के आएगी। ऑल्टरनेटिवली क्या है, हम इसको और भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कि ड्राइंग को हम सुपर इम्पोज कर सकते हैं हमारे ट्रेस आउटलाइन इमेज के साथ ऑन द स्टेज माइक्रोमीटर। इसके साथ साथ हम डायरेक्टली हमारी क्या है, इमेज को भी रीड कर सकते हैं डायरेक्टली। अब जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, आपको स्विफ्ट आईवीस कैमरा लुसिडा बताया गया है, दिखाया गया है कि किस तरीके का उसका अरेंजमेंट रहता है, किस तरीके का शेप और अपियरेंस उसका होता है। तो इसका भी सिंपल सा प्रिंसिपल की अगर बात करें, तो प्रिंसिपल भी इसका वही रहता है, कि लाइट फ्रॉम द व्यूड ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टेड ट्वाइस एज इट पासिस थ्रू द प्रिज्म। जो हमारी लाइट होती है, वो ट्वाइस यानी दो टाइम्स पास होती है एज इट पासिस थ्रू द प्रिज्म, जिसकी वजह से क्या है, ऑब्जेक्ट की जो परसीव्ड इमेज है, जो हमें आंखों से देखने में मिलती है, वो राइट साइड अप हो जाती है। और उसी के साथ साथ क्या है, जो हमारी आई रिसीव कर रही होती है लाइट डायरेक्टली फ्रॉम द ड्राइंग पेपर, वो दोनों चीज़ें आपस में अटैच हो जाती हैं। फिर जो दोनों की मर्ज इमेजेस आती हैं,
वो हमें क्या है, एक मैग्नीफाइड क्लियर इमेज पता चलती है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की। तो जो व्यूअर हमारा होगा, जो इमेज को व्यू कर रहा होता है, वो सीधे सीधे ऑब्जेक्ट को हमारी क्या है, सुपर इम्पोज करके भी देख सकता है हमारे ड्राइंग पेपर के ऊपर कि एक्चुअल में हमें मैग्नीफाइड इमेज ऑब्टेन हुई है या नहीं। अब यहाँ पे बात करते हैं स्टार ग्रेन के बारे में। स्टार ग्रेन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मोस्टली हमारे प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ पोस्ट फोटोसिंथेसिस। तो स्टार ग्रेन्स के एक टाइप के वेल पैक्ड स्टोर हाउसेज होते हैं ग्लूकोज शुगर यूनिट के। और स्टार्च मोस्ट अवेंडेंटली आप जानते हैं एनर्जी सोर्स होता है हमारी डाइट्स में भी, तो उसी तरीके से प्लांट्स में भी क्या है, डाइट्री सोर्स का काम करता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ एवरेज स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके का होता है। डिपेंड करता है कि कौन से टाइप के स्टार्च ग्रेन, मतलब किस प्लांट को हम अंदर स्टडी ले रहे हैं। जनरली हमारा 1 से 7 mm के स्मॉल साइज में भी होता है और 15 to 20 micrometers के साइज में भी देखने को मिलता है। तो जैसा कि आप स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके के पॉलन ग्रेन्स हमें मिलते हैं जब उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे व्यू करते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स जनरली हमारे सैक लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं जिनके छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और जनरली ये एंथर्स के अंदर पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया भी जिन्हें बोलते हैं, जो सेल की ग्रोथ और डिफ्रेंसिएशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर, अगर माइक्रोस्कोपिकली स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इररेगुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रॉसी शेप्ड होते हैं, और शेप और अपियरेंस जो होता है ग्रेन का वो डिपेंड करता है हमारे टाइप ऑफ पोलन ग्रेन जिसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियर इमेज हमें दिखाई देती है जब हम कैमरा लूसिडा के थ्रू पोलन ग्रेन्स को देखते हैं।